हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ कुछ चीजें शेयर करूंगी कि जब मेरे डॉगी का पेट थोड़ा सा खराब हो तो फिर मैं उसको क्या खिलाती हूँ ताकि उसका पेट एकदम ठीक हो जाए। पहले तो मैं खाना देकर देखती हूँ कि वो खाता है या फिर नहीं। अगर वो नहीं खाए, मैं उसको मतलब ज़बरदस्ती नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि वो उसका पेट में जो प्रॉब्लम है वो उसे ज़्यादा अच्छे से समझता है। पर अगर मैं उसको ये खाना दूँ तो वो ये अच्छे से खा लेता है और ये उसका पेट को भी टाइट कर देता है। अगर लूज टूल्स हो तो ये टाइट कर देगा, पर अगर ज़्यादा खराब हो तो डॉक्टर के पास ले जाना ही सही होगा और ये काम नहीं करेगा। पहले पहले ही अगर आपको लगे कि इसका पेट में थोड़ा दर्द है या फिर कुछ, ये आप देखकर देख सकते हो। इससे मेरे डॉगी को बहुत ही फायदा हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। इसके लिए हमें लेना होगा चावल, नॉर्मल सा, कोई भी जिसमें फ्रेग्रेंस नहीं है वैसा वाला चावल ले लीजिए। उसके ऊपर दे दीजिए ग्रेटेड पोटैटोस। आप स्वीट पोटैटोस और नॉर्मल पोटैटोस दोनों मिक्स करके लीजिए तो फिर ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और ग्रेट करने के बाद पोटैटोस को धोना नहीं है, पहले ही धो लीजिए, उसके बाद ही ग्रेट करिए। ग्रेट करने के बाद जो एक मिल्की सा टेक्सचर हो जाएगा पानी में, वो फेंकना नहीं है, उसी से ये जो रेसिपी है ये कुक होगा। थोड़ा सा पम्पकिन भी मैंने यूज़ किया है क्योंकि मैंने स्वीट पोटैटोस यूज़ नहीं किया है, थोड़ा सा स्वीट होगा तो इसको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पम्पकिन भी लिया है। पम्पकिन को अगर आप स्किप कर दो तो भी चलेगा, पर ओनली पोटैटोस और राइस और चिकन, ये तीनों चीज़ें जाना बहुत ही ज़रूरी है। यही तीन मेन इंग्रेडिएंट है। ये थोड़ा सा पोरेज टाइप होगा, जो कॉन्जी होता है वो राइस बेस होता है, और इसका जो हम राइस यूज़ करेंगे, राइस कुक होने के बाद पानी नहीं फेंकेंगे, यही पानी हमें ज़रूरत होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिकन को अच्छे से मिंस कर लिया है, मतलब बहुत अच्छे से पेस्ट जैसा कर लिया है। अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर हो तो मिक्सर में पेस्ट करके इसको यूज़ कीजिए तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुँह में नहीं आएगा, चबाने का भी ज़रूरत नहीं होगा, वो ऐसे ही खा लेगा। ये जो कॉन्जी का रेसिपी है ये डॉग के लिए है, ह्यूमंस के लिए भी कॉन्जी होता है, वो भी बहुत ही टेस्टी होता है, बस उसमें थोड़ा बहुत मसाला जाता है, ज़्यादा कुछ मसाला नहीं जाता, एक दो ही मसाला जाता है और वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये मैंने सारा चीज़ें अच्छे से दे दिया है, पानी भी डाल दिया है, जितना मुझे चाहिए होगा उतना पानी, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए क्योंकि कॉन्जी जो है वो थोड़ा गाढ़ा ही रहता है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसा टेक्सचर रहता है। और ढक्कन लगा के 5 से 6 सीटी होने तक इसको पका लीजिए ताकि सारा जो चीज़ें हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मेरा जो कुकर है वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए सब कुछ एकदम अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुआ है। जितना हुआ है मैं उसी को निकाल लूँगी एक बोल पर, उसे अच्छे से ठंडा होने के बाद मैं हाथों से ही स्मैश करके फिर उसे दूंगी। अगर आपका कुकर एकदम सही है तो ये बिल्कुल गल जाएगा, पूरा गलने के बाद ही आप उसे दोगे तो ही वो बहुत ही टेस्टी लगेगा, और जो राइस है वो आपको दिखेगा भी नहीं, मतलब वो टूट के एकदम छोटा छोटा पीसेस हो जाएगा, तब आप समझ जाना कि ये जो कॉन्जी है या फिर पोरेज है, जो भी आप बोलोगे, वो एकदम तैयार है। मैं स्मैश कर लिया है और एकदम ठंडा हो गया है ये, अभी मैं उसको खाने के लिए ये दे दूंगी। ये खाने से उसका पेट ठीक हो जाएगा और ये एकदम सिंपल सा है, कोई भी दूसरा और वेजीज या फिर और कुछ भी नहीं जाएगा, और आप इसमें लहसुन वगैरह भी यूज़ नहीं करना क्योंकि लहसुन से पेट और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो आप ये एक बार ट्राई कीजिए, और कोई भी नया चीज़ देने से पहले एक बार आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर से कर लीजिएगा, फिर आप उसको, मतलब आपका जो पेट है उसको दीजिएगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि मेरा जो डॉग का डाइट है वो और आपका डॉग का डाइट अलग है, तो आप एक बार कंसल्ट करके फिर ही नया चीज़ दीजिए। तो आज के लिए यही तक। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद है कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर से कर दीजिए ताकि मेरा रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।